नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट विश्व के सबसे पुराने गणतंत्र के बारे में। वैशाली बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक गांव है जो इतिहास में एक नहीं कई कारणों से प्रसिद्ध है। तीन धर्मों की कर्म भूमि एवं विश्व का पहला गणतंत्र जिसके लिए सबसे ज्यादा इसे जाना जाता है। बुद्धा ने अपना आखिरी उपदेश इसी जगह पर दिया था। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। वैशाली नाम राजा विशाल से निकला था जो महाभारत में एक विख्यात राजा के रूप में बहुचर्चित हैं। क्योंकि बुद्धा का इस जगह से खास लगाव था और वो उपदेशों के लिए वैशाली कई बार गए थे, ये जगह बौद्ध धर्म का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन गया। आगे चलकर राजा अशोक ने इस धर्म को अपनाया तो उन्होंने अपना एक स्तंभ यहां भी बनवाया था। 16 महाजनपदों में भी इसका नाम है। एक समय था जब वैशाली व्यापार एवं कला का भी प्रमुख केंद्र था। जब पूरी दुनिया शासकों के अत्याचार सह रही थी तो बिहार में स्थित ये जगह एक गणतंत्र था। आज से 2600 वर्ष पहले एक गणतंत्र जिसकी कल्पना भी संभव नहीं है। यह इस पावन धरती के बुद्धिमता को दर्शाता है और यह भी बतलाता है कि क्यों बुद्धा ने आखिरी उपदेश यही दिया या महावीर का जन्म इसी पावन धरती पर क्यों हुआ। आज वैशाली बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। आप यहां कभी भी किसी भी महीने में जा सकते हैं, पर अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे अनुकूल है। कुछ प्रमुख स्थल जैसे अशोक स्तंभ, स्तूप, मठ की सुंदरता आप कभी भी निहार सकते हैं। राम चौरा मंदिर जहां श्री राम के पदछाप आस्था का सर्वस्वरूप हैं, राजा विशाल का किला जो इतिहास को खुद में समाये आज भी गर्व से खड़ा है। यहां जाने का सबसे उपयुक्त मार्ग सड़क है। पटना या किसी भी प्रमुख शहर से आपको बस मिल जाएगी। ट्रेनों के लिए सबसे नजदीक स्टेशन हाजीपुर है जो यहां से 35 किलोमीटर दूर है। हवाई यात्रा के लिए हवाई अड्डा पटना में स्थित है। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आज भी हस्तशिल्प की सुंदर कृतियां आप देख सकते हैं। मधुबनी कला के नमूने याद के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। एक हाथ में इतिहास, दूसरे में तीन धर्मों की आस्था, वैशाली सच में विशाल है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राजा सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो YouTube पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज से इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।